हेलो फिफ्थ क्लास, आई एम योर साइंस टीचर मंसा। टुडे आवर टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट विद वाटर, पानी के साथ प्रयोग। तो जैसा मुझे तो पता है, सभी बच्चों को पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप घर में भी पानी जब नहाते होंगे, पानी की बाल्टी भरी होती है तो नए नए एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। साबुन को उसमें डुबो देंगे या जग को डुबोने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है, उस टाइम आप देखते होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मेरे पास एक पानी का पतीला है। अब मैं इसको, एक बॉल है मेरे पास, इसको पानी में डुबो रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये तैर रही है। अब मेरे पेंसिल है मेरे पास, इसको पानी में डाला तो ये भी क्या कर रही है, तैर रही है। पेबल्स हैं, इनको पानी में डाला तो देखते हैं ये तैरते हैं या डूबते हैं, तो ये डूब गए। एक मेरे पास लॉक है, इसको मैं पानी में डाल रही हूँ तो देखते हैं ये भी डूबेगा या तैरेगा। तो लॉक जो है पानी में डूब गया। अब हमने देखा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब गई और कुछ चीज़ें पानी में तैर रही हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये चीज़ें पानी में क्यों डूब रही हैं और क्यों तैर रही हैं। तो बच्चों, ये होता है बियोंसी फोर्स के कारण। बियोंसी फोर्स, ठीक है, बियोंसी फोर्स क्या होती है, बियोंसी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड टू अपोज द वेट ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जो बियोंसी फोर्स है वो जो होती है एक लिक्विड के द्वारा लगाया जाने वाला बल होता है, जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ को धकेलता है, ऊपर की तरफ को धक्का मारता है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मान लो ये है हमारा पानी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं पानी में डाल रही हूँ तो क्या हो रहा है, हम देखेंगे ये डूबेगा या तैरेगा। जब मैं इसको, ऑब्जेक्ट को पानी में डाल रही हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से लिक्विड जो है ऊपर की तरफ को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ को फोर्स लग, जब ऑब्जेक्ट जो है पानी में डालते हैं तो क्या करता है, जो हमारा पानी था यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, पानी यहाँ से हट जाएगा और वो जगह कौन ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो जो पानी वहाँ से हट गया हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का भार जो है इस डिस्प्लेस्ड वाटर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो वस्तु है पानी में डूब जाएगी। एंड जब किसी ऑब्जेक्ट का भार जो है इस डिस्प्लेस वाटर से कम होगा तो क्या करेगी, वो चीज़ जो है पानी में, वो वस्तु जो है पानी में तैरेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेस वाटर, द ऑब्जेक्ट विल सिंक। अगर जो है ऑब्जेक्ट वस्तु जो है उसका भार डिस्प्लेस वाटर से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। एंड इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन डिस्प्लेस वाटर देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि ये जो चीज़ें हैं पानी में डूबती हैं या तैरती हैं किस वजह से होता है। एक तो हो गई हमारी बियोंसी फोर्स। ठीक है, इसका एक और कारण होता है बच्चों, ये होता है एरिया। जो एरिया होता है उसकी वजह से भी है जो पानी में चीज़ें हैं डूबती हैं और तैरती हैं। जैसे हमने देखा है कि एक समुद्र में जो जहाज तैरता है, शिप होती है, वो क्या होती है, पानी में तैरती रहती है, जबकि हम एक कील पानी में डालते हैं तो वो क्या करती है, डूब जाती है। तो ये किस वजह से होता है, जबकि कील इतनी छोटी है और हमारी शिप जो है इतनी बड़ी होती है, तो जो शिप जो है जितनी बड़ी है उसका एरिया भी जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए क्या है वो फ्लोट करेगी। और कील जो है उसका एरिया कम होगा तो वो कम डिस्प्लेस करेगी एरिया वहाँ पे, तो वो डूब जाएगी। जैसे मैं इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बता सकती हूँ, मेरे पास एक कागज़ है, अगर मैं कागज़ को पानी में ऐसे डाल रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। अगर मान लो मैंने इसको, इस कागज़ को ऐसे मरोड़ के पानी में डाला तो ये क्या करेगा, ये डूब गया। तो इससे भी पता चलता है, देखा आपने अभी कि जब एरिया ज़्यादा था कागज़ का तो क्या हुआ, वो तैर रहा था, और जब एरिया कम हो गया तो वो क्या हो गया, डूब गया। तो बच्चों, हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है चीज़ें पानी में डूबती और तैरती हैं, क्या था, क्या है, एक है बियोंसी फोर्स और दूसरा है हमारा एरिया। और बाकी ये जो हमारा कंसेप्ट है बच्चों, जब आप बड़े हो जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।